अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। का वही याद कर रहे हो ना जो हमने बात बोली थी? हमने कहा था ये बाप बेटे का झगड़ा बहुत ही ऊपर तक जाने वाला है, लेकिन एक बात कहें, अब तो हमका भी डर लग रहा है कि इस हद तक झगड़ा जाएगा हमने भी नहीं सोचा था। सच्ची कह रहे हैं, लेकिन एक बात की खुशी है कि आज जो हमारी पोटी है ना छुआरा, उसको वाधवी का असली चेहरा दिखने वाला है कि कितनी कमीनी औरत है वो। लेकिन उससे पहले हालात बहुत बुरे होने वाले, सच्ची कह रहे। अरे पापा, यार पापा गेट खोलो यार। मालिक दरवाजा खोलो। अच्छा सॉरी पापा, सॉरी, आप बाहर आके थप्पड़ मार लो, कोई बात नहीं, बट प्लीज यार दरवाजा खोलो यार, बंद मत करो। मैंने कहा मैं नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा। मालिक आपको रमा आंटी की कसम, दरवाजा खोलो। अशोक तुम्हें मेरी कसम, अगर अंदर का कोई भी सामान तुमने यूज किया तो। अरे आंटी, अंदर स्पा लेने थोड़ी ना गए हैं पापा। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें अंदर दिखाई दे रहा है क्या? अरे मर जा मेरी बला से, मैं बाहर नहीं आऊंगा। अरे पापा खोल दो यार, कुछ उल्टी सीधी हरकत मत करना यार। पान वाले भाई से खोलो ना यार, बोलो ना कुछ तो। मैं क्या बोलूं, मेरे को जो देखना था मैं देख चुका। अरे इतू सा छोटू सा झन्नाटेदार थप्पड़ी तो मार रहे थे, खा लेते तुम्हारे कौन से नकली दांत जो गिर जाते। अरे अशोक भैया, छोटी सी बात पे शराब मत पीना यार, आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है। एक तो वैसे ही तुम बाप बेटों ने पूरे फुवारा चौक का दिमाग खराब कर रखा है, पूरे दिन अपन दोनों तुम्हारे पीछे पीछे घूमते रहते हैं। अच्छा तो यहाँ किसने बुलाया तुम्हें? क्यों अपना थोपड़ा लेकर आयो, यहाँ पे निकल जाओ यहाँ से। अरे अरे यार तुम लोग ना बात पे लड़ लेना, पहले अशोक को बाहर निकालो। चलो रमा मैडम, अगर अशोक अंकल ने कुछ कर दिया ना अपने आप को, तो पुलिस आपको पकड़ के लेके जाएगी, क्योंकि पार्लर तो आपका है ना। अरे रमा मैडम कुछ नहीं कर पाएंगे, पंखा बहुत ऊंचा लगा है और फिर अंदर नस वस काटने को ब्लेड भी नहीं पड़ी है। मेरा ठंडी सी चुप चुप बोल ले। चुप 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 आप बोलिए। अशोक जी देखिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, बाहर आ जाइए। अशोक अंकल प्लीज आ जाओ ना बाहर, हमारे कस्टमर्स ना स्पा के लिए वेट कर रहे हैं। झूठ क्या बोल रही है? कहाँ है कस्टमर? एक भी नहीं दिख रहा है। तू आओगे ना क्या? चुप नहीं बैठ सकती बेवकूफ। मालिक आपके ढाबे की थाल में मक्खी गिर गई है, अगर वो मर गई ना तो पुलिस आपको ले जाएगी, फिर मत बोलना चुट्टन ने आपको बचाया नहीं। नहीं बेटा, आज दाल में मक्खी गिरे या मक्खी दाल में गिरे, मैं नहीं आने वाला बाहर। डेढ़ सौ रुपया हुआ। कितना हुआ? डेढ़ सौ रुपया। ये ले प्रसाद रख ले। अशोक जी आप बाहर आ जाइए, हम सब आपसे माफी मांगते हैं। हाँ, मांगते हैं, मांगते हैं। देखो अशोक, अगर तुम्हारी वजह से मेरी कोई भी कस्टमर यहाँ से बाहर चला गया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रे जा जा, तुझसे बुरा इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। रमा, बाप बेटे के बीच में दरार डालने वाली ये जिंदा है, जिंदा। ये बात है, अगर ऐसा है अब तो अंदर ही बैठे रहो, अब तो चाहोगे तो बाहर नहीं आ पाओगे जब तक मैं नहीं चाहूंगी। मम्मी ये क्या कर रही हो रेंदो आंटी? छोड़ो ना। चलो तुम लोग चलो, बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक, चलो चलो चलो। मम्मी मैडम वो मर जाएंगे मैडम। ये ना आप खाओ, मुझे मेरे पैसे चाहिए। तूने प्रसाद को मना किया? यस, पैसे चाहिए। कितने हुए? सॉरी सॉरी बहन जी, गलती हो गई। गलती तेरे से नहीं हुई मुन्ना। हाँ गलती तेरे माँ बाप से हुई, जो तुझ जैसे सपोले को पैदा किया। गलती मेरे पापा से हुई, मैं जानता हूँ अपने पापा से पूछ के आता हूँ कि ये गलती कैसे हुई। क्या
हटा हाथ भिखारी अपने क्या उसमें रह इसमें अरे रह ऐसे भैया मैं क्या बोल दिया था ये अशोक भार मनुष्य का क्या करे तू क्या कर लेगा नहीं तब मैं कुछ कर नहीं सकता मैं बस ऐसे पूछ रहा था अच्छा ऐसे पूछ रहा था इधर मजाक चल रहा ना ऐसे पूछ रहा था एक तो वैसे फुवारा चौक पे इतनी टेंशन चल रही है भैया कभी इनको समझाओ कभी उनको समझाओ कभी खुद को समझाओ लेकिन यार ये मनोज ने अशोक भैया का हाथ पकड़ के बहुत गलत किया यार वाह वही पिट्टर है बेचारा तभी अशोक भैया को ना समझाना कि जवान बेटे पे हाथ नहीं उठाना चाहिए अबे अपने बाप से मार खाने में कैसी शर्म है कैसी शर्म तो तू खा ले अशोक भैया तुम्हारा भी बाप है और ज्यादा बोल रहा वरना क्या वरना क्या क्या वरना क्या मैं बोला ना आपने उसमें किसमें उसमें रह किसमें अरे उसमें रह ना एक मिनट हद है हद में रह मम्मी अशोक अंकल अंदर से बाहर आए हैं कि नहीं अभी तक अंदर ही है उसके वजह से हमारे स्पा वाले कस्टमर्स भी निकल गए अच्छा हुआ वैसे आग भी आपने लगाई थी अब आप ही जाके उसमें जलो रिद्धि सही तो कह रहे गुस्सा क्यों कर रहे हो ये जो आपने एक दुकान के चक्कर में बाप बेटे के पीछे लड़ाई कराई है ना बिल्कुल अच्छा नहीं किया इसकी सजा ना आपको जरूर मिलेगी आज तो ना आपको मम्मी कहते हुए शर्म आ रही है कसम से अगर अशोक अंकल कुछ कर लिए ना अंदर उसकी जिम्मेदार आप होंगी चल रिद्धि मैडम कोई बात नहीं हम दोनों है ना आपकी बेटी जाया और सुषमा हमको गोद ले लेना आप हाँ मैडम ले लो झमाझम कैफे के किचन का औजार ओह तभी मैं कहूँ मेरे किचन में से एक एक औजार कम कैसे हो रहे ये रमा चोर मेरे बर्तन बेच बेच के खुद के लिए कपड़े मंगवा रही है लाना देते रहते हैं एक बेलन मिल गया और भी औजार पड़े होंगे इधर कहीं ढूंढो ढूंढ अशोक ढूंढ अंधेरा बहुत है भाई आप अशोक भैया के चाची अबे भूतनी के चाची और भतीजे का चेहरा एक ही जैसा होता है क्या नहीं रिश्तेदार है भाई है वो मेरा बुआ पाय नहीं लग पाएगा पेट भार है ना कम कर पहले बुआ अच्छा तुम आ गई अब तुम ही हो जो ये सारा संभाल सकती हो पहले मेरा भाई कहाँ है अशोक कहाँ है झमाझम कैफे ये कैफे अशोक का है हाँ नाम भी अपनी तरह रखा है झमाझम झमाझम बड़ा रंगीला भाई है मेरा आती हूँ मिलके हाँ कम कर अशोक अशोक अरे मालिक आप तो लेडीज के कपड़े में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं कहाँ है मेरा भाई अशोक अच्छा रज्जू दो चाटू की आवाज एक साथ सुनी ना मैं समझ गया आप आयो नमस्ते जीता रे चमाट खाएगा तू भी चाहिए तुझे मेरा भाई कहाँ है अशोक पापा वो क्या कर रहे कहाँ है अशोक सामने सैलून है ना वो वहाँ पे वो स्पा लेने गए थे अभी तक बाहर नहीं आया बाहर नहीं आया अशोक अंदर है मुझे एहसास हुआ था एहसास हुआ था कि मेरा भाई किसी मुसीबत में तभी तो अपने चार धाम की यात्रा को अधूरा छोड़कर आई हूँ अशोक देखिए फव्वारा चौक दंगल प्ले ऐप पर